पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप मजे में हूँ बिल्कुल। और आज है दावत आसमा की, जो मेरी बहन है, आप जानते ही होंगे, अब तक तो जान चुके होंगे, अम्मी की, मारिया की और फरहान की। तो मैं अकेली, एक हम हैं, हजार हम हैं, लेकिन ये जो दावत होती है ये एक बहाना होता है गेट टुगेदर का और गपशप लगाने का। सो मैंने कहा चलें, आसमान जो है तो बहुत कम उसका आना होता है, लेकिन जब भी आती है तो वो भाग जाती है। मैंने कहा कि चलो जी आसमान, कल मारिया ने हमारी दावत की थी बिरयानी दावत, जो बहुत मज़ेदार सी थी, और आज मैंने कहा चलो यार हम लोग साथ बैठ जाते हैं। तो मैं भी अकेली लगी हुई हूँ, ये पुलाव का मसाला तैयार हो रहा है और यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। खलफान जो है वो बारबेक्यू की सारी तैयारी वो खलफान ने की है और बनाएगा वही। तो हम दो लोग हैं लेकिन हम लोगों ने काम बांट लिया है। तो खलफान ने अपने से काम करके फ्रिज में रखा था उसने गोश्त वगैरह, लेकिन अभी वो बाहर खेलने के लिए चला गया, ये यहाँ पे रेडी है और इसको बनाएगा भी खलफान। तो चलो मैं जल्द जल्दी अपनी तैयारी करती हूँ। एक तरफ प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं और दूसरी तरफ टमाटर काटे जा रहे हैं। सो साथ साथ करेंगे ताकि टाइम पे सारा काम हो जाए और हमें बैठने का मौका मिल जाए, गपशप का मौका मिल जाए। ये मतलब बड़ा अजीब लगता है ना कि जब मेहमान आपके घर आए हों और आप किचन में घुसे हों। भाई मुझे तो बहुत अकवर्ड लगता है, आपने मेहमानों को बुलाया ही क्यों? मेहमान सिर्फ खाना खाने तो नहीं आता ना, आपसे मिलने आता है। तो पहले से तैयारी बम्बार किस्म की बना के रखी। मारिया ने वैसे मुझे ना एक्स्ट्रा फरमाइश की थी पकौड़ों की, मैंने कहा बहन मैं ऑलरेडी चीज़ें तैयार कर रही हूँ, तुम्हारा अगर मन करता है पकौड़े खाने का तो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, आके खुद ही बना लेना। और मारिया ने कल जो हमारी लिए दावत की थी उसका कसूर और कसर आज हमसे मत पूरी करो, ठीक है ना? हाँ जी, खलफान गरम कर लिए? कर रहा हूँ अभी। हाँ वो 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट वो भी आ जाएंगे। हाँ बस, अच्छा 15 मिनट से वो लोग भी आ जाएंगे ना। वाह जी वाह भाई वाह, वाह जी वाह। खलफान की ज़रा सेटिंग्स चेक करें, ये यहाँ पे इसने कुछ सेटिंग्स बनाई हुई हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे बैठ जाएंगे, यानी जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते खलफान वो। पंखा ले आओ। वो तो मैंने रखा हुआ, चलो मैं लेकर आती हूँ। हाँ ना यार, अभी तक वो लोग आ जाते तो तुम्हारे साथ सीखे तो भरवा देते ना। जैसे मिक्स हो गया है, हाँ एक दफ़ा और लास्ट टाइम बस ये मिक्स कर लो कि सारा मसाला अंदर जज्ब हो जाए। अभी सही सॉफ्ट भी हो गए होंगे क्योंकि 4-5 घंटे हो गए हैं। तीन घंटे हो गए हैं और लगता है मेहमान आ गए हैं, चलें उनको रिसीव करते हैं। भाभी जल्दी आ गई थी तो यहाँ पे भाभी मेरी हेल्प करा रही थी और वाकई मुझे काफी हेल्प मिल भी गई थी। और दूसरी तरफ हमारी मेहमान और हमारी भाभी जान कुकिंग कर रही है, ये बिरयानी भी इन्होंने बनाई है और कढ़ाई भी इन्होंने बनाई है और ये मैं चख के बताती हूँ कि फिर कैसी बनी है। वाह 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 वाह, अरोमा तो बहुत ही ज़बरदस्त है कढ़ाई का और बिरयानी का, दम हो गया है ना इसका। हाँ अभी इसकी मिक्सिंग अभी बाकी है तो मिक्सिंग करके फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है। और दुआ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है हेल्प करने के लिए, और मैंने मेरी दोस्त जवेरिया से जो कि यमी फूड रन कर रही है उससे मैंने ये कुछ मोमोज मंगवाए हैं और ये मोमोज लावा मंगवाए हैं। हाँ ना, मोमोज लावा, और नीचे वाला डब्बा भी खोल लो। अस्सलाम ये लबनानी फूड है। खाए खाए, आप लोग खाए, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम लोग, खाए।
वो सालन के हटाओ जरा। अमल अब मुझे बताओ। लाला की तरह नहीं, मेरी तरह करो। देखो कैसे, क्यों ये देखो ऐसे। वाओ ऐसे करो, बाबा की तरह करो, बाबा की तरह। अब इनको मैं कैसे रखूं? मारिया सब उठ गए, तुम बैठ क्योंकि अब तुमने मुझे चाय का भी ऑर्डर दिया है, मुझे चाय भी बनानी पड़ेगी जी। इसमें से लोगी क्या? हाँ ना लूंगी ना, क्यों, मुझे डॉक्टर ने मना किया क्या? अब तो देखो आसमा खाला तुम्हारी हेल्प भी करा रही है ना। एक दो मैं उसे नानो के लिए भी लेके जाती हूँ ना। सही है सब। हाँ आसमा ने भी सही प्रेस मारी हुई है ना, उठा नहीं जब तक एंड नहीं हो जाता। एंड नहीं हो जाता। आसमा भाई तुम कहाँ बैठी हो यार? ये दे दो बर्तन, मुझे दे दो, मैं लेके जाती हूँ, तुम और उठा लो। क्या कर रही हो ऐसे करी तो? बाय 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 बाय। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय। ये आजकल इसने सही काम सीखा हुआ है। हाँ चलो 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 हल्की चलो हल्की। चलो जी सब चले गए हैं, पार्टी ख़त्म हो गई है और अब मैं अपने सारे बाहर जितनी भी हमने चीज़ें वगैरह रखी हुई थी वो हम समेट लें, चटाइयाँ वगैरह तकिए शकिए